नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सितंबर के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री ने सुने फरियादियों के फरियाद। सभी शिक्षकों को पढ़ाया जाएगा नई शिक्षा नीति का पाठ। छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया हुई संपन्न, 79,000 पद खाली। जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार दूसरे स्थान पर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सभी शिक्षकों को पढ़ाया जाएगा नई शिक्षा नीति का पाठ। यूजीसी और इग्नू को देश भर के करीब 15 लाख शिक्षकों को नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण देने का दायित्व सौंपा गया है। इसके तहत बिहार के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को अब नई शिक्षा नीति का पाठ पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर इग्नू ने कोर्स तैयार किया है, जिसे यूजीसी से भी मान्यता मिल गई है। इसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अस्थाई से लेकर अतिथि शिक्षकों को 36 घंटे का कोर्स करना जरूरी होगा। आपको बताते चले कि करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत यह कोर्स न्यूनतम 6 दिन और अधिकतम 9 दिन में पूरा करना है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति जुलाई 2020 में जारी की गई थी। आज से करें एसटीईटी रिजल्ट कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन। बिहार बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के रिजल्ट कार्ड में त्रुटि सुधार का मौका दिया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों के रिजल्ट कार्ड में त्रुटि हो तो वे 12 सितंबर यानी आज से 1 अक्टूबर तक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन लिया जाएगा। यह आवेदन अभ्यर्थी को पोस्ट ऑफिस द्वारा बिहार बोर्ड के पते पर भेजना है। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी, मैट्रिक और इंटर के मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, दिव्यांग कोटि का दावा करने वाले छात्रों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी को अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देना होगा। छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया हुई संपन्न, 79,000 पद खाली। छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण का ज्वाइनिंग लेटर बांटने का काम पूरा हो चुका है और इसी के साथ बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जानकारी के मुताबिक छठे चरण में 1,22,000 शिक्षक पदों में से लगभग 79,000 पद खाली रह गए हैं। इनमें प्राइमरी स्कूलों के 49,000 पदों के अलावा 10+2 हाई स्कूल में करीब 30,000 पद खाली रह गए हैं। इसका कारण बताया जा रहा है कि नियोजन प्रक्रिया लंबे समय तक चलने की वजह से कई योग्य शिक्षक उम्मीदें खो बैठे और दूसरे राज्य में दूसरे काम में लग गए। यही वजह रही कि विभाग को इतने कम शिक्षक मिल पाए। इस दिन से शुरू होगी गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा। गया में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए आगामी 20 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि बौद्ध श्रद्धालुओं को लेकर बोधगया पहुंचने वाले इंटरनेशनल फ्लाइटों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आगामी 20 अक्टूबर के बाद म्यांमार एयरवेज के विमान सप्ताह में 4 दिन गया से यंगून के लिए उड़ान भरेंगे। यही नहीं, अक्टूबर से ही बैंकॉक व वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट से भी यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बता दें कि पितृपक्ष के बाद बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं के चीर वरदान समारोह के आयोजन व विभिन्न पूजा को लेकर दक्षिण एशिया के बौद्ध श्रद्धालु भी बोधगया पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से गया एयरपोर्ट से इंटरनेशनल यात्री विमानों की आवाजाही बंद है। बीच बीच में चार्टर्ड फ्लाइटों से बौद्ध यात्री यहाँ पहुँचते रहे हैं। सितंबर के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री ने सुने फरियादियों के फरियाद। सितंबर महीने के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा। सीएम नीतीश फरियादियों की शिकायत सुन अफसरों को निर्देश दिए। अररिया से आए एक फरियादी ने सीएम से कहा कि हमारे यहाँ कला भवन नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फोन लगाया। मुख्यमंत्री ने इस पर विभाग के सचिव को फोन लगाकर मामला को देखने को कहा। वहीं अररिया के ही दूसरे फरियादी ने आंगनबाड़ी सेविका बहाली में शिकायत को लेकर पहुंचे। इस पर तुरंत सीएम नीतीश ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाया और कहा कि बार बार शिकायत आ रही है, आप लोग देखिए। वहीं एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि हमें 9वीं क्लास में मिलने वाली साइकिल योजना की राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्यों नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बगल में बैठे मुख्य सचिव को तलब किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से
आ रहा ज्यादा बिजली बिल। बिहार वासियों को ओडिशा, केरल, गोवा आदि राज्यों की अपेक्षा 3 गुना बिजली बिल चुकाना पड़ता है, जहां गोवा आदि राज्यों में बिजली दर 2.11 रुपये से लेकर 2.87 रुपये प्रति यूनिट है। वहीं बिहार में शहरी क्षेत्र में 6.10 रुपये, 6.40 रुपये तथा 8.40 रुपये लिया जाता है। ये उक्त बातें सिटीजन्स फोरम की ओर से प्रीपेड विद्युत स्मार्ट मीटर को लेकर आयोजित नागरिक कन्वेंशन में कही गई। दरअसल सिटीजन्स फोरम की ओर से एक पेपर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विद्युत स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम लोग द्वारा झेली जा रही परेशानियों का जिक्र किया गया है। इस बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर डोरोथी का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से 30-40% तक ज्यादा बिल आता है। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर ऐसे कसा जाएगा शिकंजा। अब भ्रामक खबर फैलाने वालों पर लगाम लगेगी, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने ठोस और सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि राजधानी पटना में मीडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह सेंटर 2400 घंटे काम करेगी। जिला के वरीय पदाधिकारी यहां तैनात रहेंगे। DGP जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस मीडिया सेंटर का उद्देश्य मीडिया में किसी भी तरह की भ्रामक या गलत खबर को प्रकाशित या प्रसारित होने से रोकना है। साथ ही ADG ने कहा कि किसी भी तरह का आपराधिक मामला घटित तो होने पर इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दें। यही नहीं, ADG ने बताया है कि इसी साल के दिसंबर तक आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगभग 2,70,402 गिरफ्तारियां की जाएंगी। आखिरी वक्त में मॉनसून मेहरबान। बिहार में मॉनसून अपने आखिरी वक्त में एक्टिव हो रखा है। इस बीच राजधानी पटना सहित अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। मालूम हो कि बिहार में अब तक 36% तक कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आज के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर सभी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर देर शाम भी बारिश की प्रबल संभावना है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार दूसरे स्थान पर। राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने अब तक कुल 50 पदक जीत लिए हैं। आपको बता दें कि चैंपियनशिप के दूसरे दिन रविवार को बिहार ने कुल 26 पदक अपने नाम करके 13 राज्यों की सूची में दूसरा स्थान बना लिया है। वहीं ओवरऑल पुरुष चैंपियनशिप में बिहार नंबर 1 पर है। इसके साथ ही पदक तालिका में बिहार ने दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। 26 मेडल में 7 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि निखिल मंडल ने इस्तीफा देने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं बल्कि निजी कारण बताया है और उनकी तरफ से इस्तीफे का लेटर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि निखिल मंडल पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ताओं में से एक रहे हैं। जानकार मानते हैं कि निखिल मंडल किसी भी हाल में लालू यादव के परिवार को डिफेंड नहीं कर सकते, जो इस वक्त जदयू के ज्यादातर प्रवक्ताओं को करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी निखिल मंडल की सोच समझौतावादी नहीं है, शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तेजस्वी ने कहा एकजुट विपक्ष के लिए सोनिया गांधी से मिलेंगे बिहार के दोनों दिग्गज नेता। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव अपने दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। आज पटना लौटते ही उन्होंने 2024 में विपक्ष की एकजुटता को लेकर बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में हम लोगों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है, जिसको लेकर लालू जी और नीतीश जी एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी सोनिया जी यहाँ नहीं है, वह जैसे ही वापस आती हैं दोनों नेता दिल्ली जाकर उनसे भेंट करेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। पारस गुट के सांसद नीतीश कुमार के कर रहे हैं गुनगान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुणगान किए फिर रहे हैं। दरअसल नवादा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताया कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, तभी तो इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बिना काम किए कैसे बने रहते। नवादा
सांसद ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार को थोड़ा सा समय देना चाहिए, इनके कार्यों पर फिलहाल कोई कमेंट करना उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते पर सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने उन्हें नहीं छोड़ा, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने घर तोड़ने का काम किया, ऐसे में उन लोगों की पहचान करना जरूरी है। क्या जदयू के अंदर सब कुछ ठीक है? अब यह सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि जदयू के नेता और प्रवक्ता में ही असंतोष पैदा है। एक और जहां प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं जदयू के महिला विधायकों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। एक और जहां बीमा भारती का कहना है कि लेसी सिंह एक दागी मंत्री है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, वहीं दूसरी ओर लेसी सिंह बीमा भारती को मानहानि के आरोप में 5 करोड़ का नोटिस भेजती है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें लेसी सिंह ने अपना आरोप वापस ले लिया है और ऐसी खबर है कि वो नोटिस वापस ले सकती हैं। दरअसल लेसी सिंह ने कहा कि बीमा भारती से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनका क्षेत्र अलग है, हमारा अलग क्षेत्र है। जहां तक मेरे ऊपर आरोप लगाने की बात थी तो इस संबंध में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह स्पष्ट कर चुके हैं, ऐसे में उन आरोपों पर हमें कुछ नहीं कहना है। उन्होंने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस वापस लेने के संकेत दिए हैं। खिताब जीतने वाले श्रीलंका पर हुई पैसों की बारिश। यूएई में आयोजित हुए एशिया कप के 15वें सीजन का समापन बीते रविवार 11 सितंबर की रात को हो गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें श्रीलंका की टीम ने बाजी मारी। मालूम हो कि भले ही ये टूर्नामेंट यूएई में खेला गया हो लेकिन इसकी मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के पास थी। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे श्रीलंका के लिए देश की टीम ने खुशियां लाने का काम किया है। इसके अलावा टीम को मोटा इनाम भी मिला है। दरअसल एशिया कप 2022 के विजेता बनने पर श्रीलंकाई टीम को लगभग 1,20,00,000 रुपए मिले। श्रीलंकाई टीम के कप्तान दासुन शनाका को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने $1,05,000 का चेक सौंपा। वहीं खिताबी मैच में हार झेलने वाली टीम यानी पाकिस्तान को करीब 60,00,000 रुपए प्राइज मनी के रूप में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC की तरफ से मिला है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी किए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 5,221 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 118 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 44 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 98,422 कोरोना सैंपल की जांच की गई है। यहां 124 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मुचू रंगीला, के सिन्हा, शंभू सिंह, गुलशन कुमार दास, उमेश ऋषिदेव, इंद्रभूषण रवि, अर्जुन राम, मदन राम, आकाश कुमार और मोहम्मद आशिफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप नई शिक्षा नीति से संतुष्ट हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।